हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिलोडेंड्रॉन लाइम एंड लेमन प्लांट के केयर टिप्स और उसको कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, कई लोग इसको मनी प्लांट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, मगर ये मनी प्लांट नहीं है, ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और इसको लाइम एंड लेमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो न्यू लीव्स है बिल्कुल लेमन येलो कलर के हैं और जो पुराने लीव्स है वो धीरे धीरे डार्क ग्रीन हो जाता है। और फ्रेंड, ये एक वाइन टाइप के प्लांट है, इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, इसको आप नॉर्मल पॉट में लगा सकते हैं, नहीं तो आप गार्डन में डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ये लैंडस्केप गार्डन का भी काम आते हैं। और एक्चुअली ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन जो रेन फॉरेस्ट है उस वहाँ का ये ट्रॉपिकल वेराइटी का प्लांट है। और फ्रेंड, ये सन लविंग प्लांट नहीं है, इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। और इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। अगर आउटडोर रखे तो इसको ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, डायरेक्ट सन में इसको मत रखे। और मॉर्निंग में अगर इसको एक दो घंटे का धूप मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसको इंडोर रखें तो विंडो के पास रखें जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले। नेक्स्ट, इसका सॉइल बहुत ही भुरभुरा सा लाइट वेट सॉइल चाहिए। इसको ऐसे सॉइल चाहिए जिसमें वाटर लॉगिंग ना हो पाए, मतलब वाटर प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। और उसके लिए देखिए, ये जो पॉट है इसका जो ड्रेनेज होल है अच्छी तरह से सील कर रहे हैं, ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से सील कर लेना चाहिए। और लाइट भुरभुरा सा मिट्टी के लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा रिवर सैंड, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, मैंने वर्मी कॉम्पोस्ट लिया, आप कोई भी कॉम्पोस्ट ले सकते हैं, और एक हिस्सा कोकोपीट, और थोड़ा सा फंगिसाइड भी ऐड कर लेना चाहिए। हमेशा पॉटिंग और रिपॉटिंग के टाइम फंगिसाइड ऐड कर लेना चाहिए ताकि प्लांट का रूट रॉट होने का चांसेस ना रहे और कोई फंगल इन्फेक्शन का चांसेस ना रहे। तो देखिए, कुछ दिन पहले ये काटिंग मुझे मिला और मैंने इसको नॉर्मल एक पॉट पे लगा के रखा था, नॉर्मल सॉइल में। तो आज इसका पॉटिंग मिक्स रेडी करके प्रॉपरली इसको लगा रही हूँ। और फ्रेंड, इसको नॉर्मल अगर आप गार्डन सॉइल में लगा के रखता है तो इसका जो रूट है धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाता है। नर्सरी से जब आप लेके आएंगे ये प्लांट, अगर आप लेके आते हैं तो तुरंत नर्सरी का जो मिट्टी है उसको हटा के नॉर्मल पॉटिंग मिक्स बना के फिर उस पर लगा देना, क्योंकि नर्सरी का मिट्टी चिकनी मिट्टी होता है। और फ्रेंड्स, इसका वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और इस ये जो पॉटिंग मिक्स है इस पर वर्मी कंपोस्ट ऐड किया तो इसी कारण इस पर थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हो जाएगा, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगा। इसको तो मॉइस्ट मिट्टी पसंद है मगर सॉगी मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा और मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा, मतलब मिट्टी में वाटर रिटेंशन होगा तो मॉइस्ट रहेगा मिट्टी। और फिर आप वाटरिंग इसको ध्यान से करें, मतलब वाटरिंग का जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ा कम कर सकते हैं आप, मतलब एक बार वाटरिंग के बाद आप नेक्स्ट इसका जो टॉप सॉइल है चेक करके फिर नेक्स्ट वाटरिंग करें, मतलब 7 to 10 days में वाटरिंग करें, आपका सिटी का क्लाइमेट के अनुसार आप ध्यान से करें। जब इसका मिट्टी मॉइस्ट रहेगा तब मत करें, जब बिल्कुल सूख जाएगा 1-2 inches तभी करें, फिर इसका इन्फेस्टेशन। तो फ्रेंड, इसको तो कभी कभी इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम होता है, तो आप अगर टाइम टू टाइम नीम ऑयल स्प्रे करें या तो 1 liter पानी में 1 चम्मच लिक्विड हैंड वॉश या तो 1 चम्मच शैम्पू मिला के डाइल्यूट करके स्प्रे करें तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब रेगुलर इंटरवल पे आप अगर स्प्रे करें तो इसमें कभी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम अराइज हो भी जाए तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड प्रेफर नहीं करते तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर फ्रेंड, अगर इसका फर्टिलाइजर का बात आता है तो ये हाई फीडर प्लांट नहीं है और इंडोर प्लांट को तो वैसे भी इतना फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फिर भी आप इसको साल में 2 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। एक बार आप सितंबर में कर दीजिए और एक बार स्प्रिंग जब आते हैं इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है उससे पहले, मतलब फरवरी के एंड या तो मार्च के शुरू में इसको आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और फ्रेंड, ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है मगर कई बार फेवरेबल कंडीशन में इसका ग्रोथ जल्दी भी होता है।
तभी इसको कटिंग प्रूनिंग चाहिए। तो अगर आप इसको कटिंग करना चाहते हैं, प्लांट को बुशी रखना चाहते हैं, तो उस कटिंग से इसका प्रोपगेशन भी हो जाता है। आप इसी पॉट पे लगाते जाइए, प्लांट बुशी रहेगा, नहीं तो दूसरा पॉट पे भी लगा के आपको और प्लांट मिल जाएगा। तो इसका इजी प्रोपगेशन है। तो फ्रेंड, इसका इजी केयर एंड इजी प्रोपगेशन है। और ये देखिए, ये प्लांट लगा दिया। और ये वीडियो मैंने पहले बना के रखा था, तो अभी इस प्लांट का ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और मेरा वीडियो आज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए भी थैंक्स। और फ्रेंड, स्टे वेल, बाय बाय, टेक केयर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।